फिजिक्स टीचर बेटा, आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लॉरेंस फोर्स क्या होती है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कितना वर्क डन होगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, क्या कौन सी फोर्स अप्लाई होगी जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई होता है या मूव कर रहा होता है, पैरेलल, एंटी पैरेलल या किसी परपेंडिकुलर, 270 डिग्री एंगल, सब कुछ आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वाला आपका और समझ ही बहुत अच्छे से आएगा क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग समझते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें डायरेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल हर एक चीज कवर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब कोई भी करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करता है उसकी वजह से आपकी एक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें कौन सी चीज की जरूरत होती है, कौन सा लॉ लगता है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल का हमारे पास लॉ लगता है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट लेते थे और वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन शो कर देता था। वो हमने पढ़ा था जो कि इंट्रोडक्शन में हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अब आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब पहले मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी, और ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इसका हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले यहां ले लेते हैं। कहता है स्पेस और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वही आपके पास जो हमने कल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जो कि ऑस्टर्स का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन बन के आई है और उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको इजीली समझ आ गई होगी। क्या कहती है सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन, अगर किसी भी सर्किट में आपका करंट फ्लो कर रहा है और हम लोगों ने वहां पर एक क्या लगा दिया था, मैग्नेटिक नीडल लगा दिया था साइड में, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था उसकी वजह से चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, वो फील्ड लाइन्स किसकी थी आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है, वही इफेक्ट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वहां पर आपका जो मैग्नेटिक निडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया था। जब करंट क्लॉकवाइज चल रहा था तो वो क्लॉकवाइज ही डिफ्लेक्ट हो गया, जब वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो वो एंटी क्लॉकवाइज वो डिफ्लेक्ट हो गया था, करंट याद है आपको। ठीक है, तो वहां पर आपके पास मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक निडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी ऊपर से भी और नीचे की साइड से भी अकॉर्डिंग टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अगर करंट फ्लो नहीं करा सर्किट के अंदर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ये हमेशा याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी वेक्टर इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हम इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं और मैग्नेटिक वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाए तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इन सब के नाम वही होते हैं आपके पास, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक वेक्टर, ये तीनों ही नाम आपके किसके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और कैपिटल बी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, जब कोई भी करंट किसी भी सर्किट में फ्लो कर रहा था तो जिसकी वजह से आपका एक मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था, वो मैग्नेटिक कंपास इस वजह से डिफ्लेक्ट कर रहा था क्योंकि जब करंट फ्लो कर रहा था मतलब उसके सराउंडिंग्स में कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई फील्ड ऐसी है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था और वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की बारी आती है तो हमें एक चीज याद आती है, क्या, मैग्नेटिक फोर्स। जब तक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में नहीं पढ़ लेते जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि मैग्नेटिक कंपास के ऊपर जो या फिर कोई भी अगर कोई भी पार्टिकल हो जाता है उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक अफेक्ट पड़ता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो हम लोग यहां जानेंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं कि कैसे अगर चार्ज पार्टिकल किसी डायरेक्शन में चलता है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में चलता है या परपेंडिकुलर में चलता है किसी एंगल से चलता है तो कितनी फोर्स अप्लाई होगी। क्लियर, कितनी फोर्स अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं क्या, चलिए डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, आपके पास एक प्लेन है,
मैं क्या कर रहा हूं, एक आपके पास पॉइंट लेता हूं। इस डायरेक्शन में आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है और जो चार्ज है, एक चार्ज है क्यू, क्यू जो मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं ले लेता हूं डायरेक्शन मूव कर रहा है वो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली एक एंगल थीटा से मूव कर रहा है। कितना, एक एंगल थीटा से मूव कर रहा है। अब वो चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेलोसिटी से वो चल रहा है। वो चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, एक प्लेन है आपके पास, ठीक है, प्लेन है आपके पास और एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन, क्लियर। आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी एंगल से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वी। तो सवाल ये पैदा होता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एंगल से चल रहा होता है या उसकी वेलोसिटी जो है वो एंगल बना रहे किससे, बी से, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, वही फोर्स आपकी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी, ठीक है। कितनी फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होगी वही आपके पास क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी। अब ये देखो, मैग्नेटिक फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल क्यू, मैं लिख लेता हूं यहां कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल या चार्ज लिख लेते हैं हम लोग, चार्ज क्यू, ठीक है, मूव इन कहां चल रहा है वो, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद ए वेलोसिटी वी, ठीक है, विद ए वेलोसिटी वी, एंड वी मेक एन एंगल थीटा किसके साथ बना रहा है वो, मैग्नेटिक फील्ड, वी मेक एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल बी वेक्टर। अब ये देखो कि हमें पता करना है कि कितनी फोर्स इसमें अप्लाई होती है, वो फोर्स जो अप्लाई होती है वो बच्चे कितनी होती है, हम इसे एफएम से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफएम मान लेना एफएम, तो आपके पास क्या होगा, इसका होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात आती है कि मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी अप्लाई हो रही है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या चल रही है, वी, तो उसका क्या होगा फॉर्मूला, एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटता है यहां पर, तो हम क्या लिखते हैं इसे, एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप क्या लिखते हो, बी डॉट बी साइन थीटा लिखते हो, करते थे ना, कि भैया ए क्रॉस बी की अगर हम करते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होता है, ए डॉट बी साइन थीटा, यही करते थे, वही हमने यहां पर लिखा, क्लियर। तो जब भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, ये वो वाली मैग्नेटिक फोर्स है जो कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है, जब वो चार्ज पार्टिकल किससे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, क्यू बी बी साइन थीटा, बी आपके पास वेलोसिटी, बी आपके पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्यू आपके पास चार्ज, ये थीटा एंगल किसके बीच का है, वी और बी के बीच का एंगल, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, वी और बी के बीच का एंगल है आपके पास क्या, थीटा, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, भैया फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स की बात है, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी क्वांटिटी है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली बात है, जब वेक्टर क्वांटिटी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और ऑब्वियसली क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालें, ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्शन, देखो हम लोगों ने मान लिया कि जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, वो एंगल की डायरेक्शन मैंने ये ले ली ऊपर की साइड, मैंने ले ली क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली, क्या ले ली, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं तभी हमारे हाथ में ये थंब आ रहा है, ये याद रखिए, ये क्या आपके पास, राइट हैंड थंब रूल, हमेशा याद रखना, कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या, ये जो आपको शो करेगा, ये जो आपका अंगूठा या आपका थंब, ये आपके पास जो थंब लगाने वाला है, ठीक है, तो ये आपका क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, और ये आपका जो पाल्म है ये आपको क्या शो करेगा, किस एंगल से हम मूव करा रहे हैं, किस एंगल से वी और बी मूव हो रहा है, क्लियर हो गया। वो आपका 30 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 270 भी होता है, हो सकता है जीरो भी हो जाए,
ठीक है, तो हम केसेस आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन की, बात हम लोग कर रहे हैं। तो आपके पास ये क्या है, किधर की साइड मूव करा रखा है हमने, ये आपको किस साइड मूव कर रहा है, बी की साइड मूव कर रहा है, क्लियर। तो कौन सी है, एंटी क्लॉक वाइज, ऑब्वियसली क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। तो आपका थंब कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज थंब क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब आपकी फोर्स की डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर लग रही है, नीचे, ऊपर की तरफ लग रही है, क्लियर। तो यहां पर हमें पता लग गया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है हमारे पास वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ होगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमें पता लग गया जब भी हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो आपके पास जो एंगल होगा, ये एंगल V और B के बीच का जो एंगल है आपके पास, उसे आप कहीं से भी रोटेट करा सकते हो, या तो क्लॉकवाइज कराओ या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज करा लो। अगर एंटी क्लॉकवाइज कराओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने कराया, सॉरी क्लॉकवाइज हम लोगों ने कराया, तो क्लॉकवाइज में कहा जाएगा, नीचे। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नीचे की साइड होगी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है हमारे पास, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास जो लिख ली है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो लिख लिया वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैरिंग वी एंड बी, क्लियर हो गया, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये आपका किससे हुआ, राइट हैंड थंब रूल से, पहले लिख लेता हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिटरमाइंड बाय help of right hand thumb rule, by help of right hand thumb rule, thumb rule, clear हो गया, right hand thumb rule। अब ये direction क्या है इसकी, the direction of FM is perpendicular to the plane carrying V एंड बी, क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैरिंग वी एंड बी, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, प्लेन के भी है और इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब अगर हम इसे थीटा को 90 डिग्री मान ले तो मतलब ये तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली है। अगर थीटा को मैंने 90 डिग्री मान लिया, सपोज करते हैं, तो ये आपके पास तीनों के परपेंडिकुलर होगा, ये भी 90 मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये FM जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, क्लियर है, ये FM जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, क्लियर। कुछ ऐसे रखा हुआ है, मैं एक बुक ले लेता हूँ, चलो ये पेज ले लेता हूँ, ये मेरे पास पेज है, ठीक है, ये प्लेन है मेरे पास, आपका V इधर चल रहा है और ये आपके पास B क्या है, इस साइड चल रहा है, तो फोर्स कहां लग रही है, ऐसे लग रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रही है, समझ आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रही है, समझ आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास सब कुछ पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया FM की, अब हम इसके चलो यहां तक उतारो फटाफट, फिर आगे करते हैं, हम लोग एंगल देते हैं, केसेस देते हैं, जल्दी उतारो फटाफट, जल्दी उतारो, उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। FM इक्वल्स टू QVB sin थीटा, ये हमेशा के लिए याद रखना आगे के लिए भी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत बार आ चुका है, एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो बहुत ही आराम से करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने आप लोगों को ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केसेस की बात करते हैं, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केसेस के ऊपर हम लोग सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पहला केस ले लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, चलिए पहला केस लेते हैं, व्हेन वी एंड बी, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल लेते हैं, व्हेन चार्ज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल टू बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये देखो, ये चार्ज पार्टिकल क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहला केस में क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है आपके पास वो क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, पहले पैरेलल केस कर लेते हैं। देखो ये चार्ज पार्टिकल पैरेलल कब चलेगा, जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, ऑब्वियसली बात है भाई, आपका पास मैग्नेटिक फील्ड ये है,
ठीक है। अब दोनों के बीच का मैं एंगल जीरो कर दूं तो आपका दोनों के बीच का एंगल जीरो कब होगा, जब BB इस डायरेक्शन में चल रहा हो और आपके पास BB इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली बात है, चार्ज पार्टिकल भी मूव किस डायरेक्शन में कर रहा हूं, इसी डायरेक्शन में। मतलब जब हम पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल की बात करेंगे तो आपके पास एंगल कितना होगा, जीरो। एंगल जीरो होता है तो भैया मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना, Fm equals to QVB sin theta, और थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भैया, जीरो। ठीक है, तो हमें यह पता लग गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल पे मूव कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में या फिर अलोंग मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर हो गया, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। ये किसकी बात थी, पैरेलल की। अब एंटी पैरेलल देख लो, एंटी पैरेलल की अगर बात करते हैं, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या, आपका बी इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या, बी। क्लियर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब चार्ज पार्ट बी तो आपका इस साइड में जा रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अपोजिट में। तो हमारे पास Fm की वैल्यू कितनी होती है, Fm QVB sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 180 डिग्री, 180, और 180 कितना होता है आपके पास, जीरो। पता चल गया, पता चल गया जीरो कैसे हो गई, ठीक है। हमें यहां से भी वही कंक्लूजन मिला, वो कह रहा है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल चल रहा है, उल्टा चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, जीरो लगेगी। पूरे चैप्टर के लिए हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वैल्यू बेस्ड, वो कहेगा कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है या फिर एंटी पैरेलल चल रहा है, आप लोग बताइए मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, आंसर क्या दोगे, जीरो। कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, ये हमने यहां पढ़ लिया। क्लियर हो गया, समझ आ गया, चुप उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी उतारो, से पोजिशन के उतार लेना, ठीक है। पहला केस पता चल गया, चलिए दूसरा केस कर लेते हैं, उतार लेना भैया पोज करके, पोज करके उतार लेना। अब देखते हैं व्हेन चार्ज, दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग, दूसरा केस क्या होगा आपके पास, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग 90 डिग्री, क्या कह सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिक्यूलर, या फिर कह सकते हैं हम लोग 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, Fm इक्वल्स टू क्या होगा, QVB sin थीटा, थीटा का एंगल कितना होगा 90, तो sin 90 कितना होता है रे बाबा, sin 90 होता है आपका 1, QVB sin 90 होता है आपके पास 1। मैं यहां लिख देता हूं, जिन बच्चों को याद नहीं है sin 90 की वैल्यू होती है आपके पास 1। क्लियर हो गया, तो यहां फोर्स कौन सी लग रही है आपके पास, मैक्सिमम फोर्स लग रही है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स लग रही है आपकी, ठीक है, कितनी लग रही है, प्लस का QVB। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराता हूं और उसकी वेलोसिटी भी चल रही है, तो आप लोग बताइए मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कौन से एंगल पर लगेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री QVB, ठीक है, 90 डिग्री रखा तो आपके पास आंसर क्या होगा, QVB। दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तीन क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने सॉल्व, समझ आ गया इस टॉपिक से, चलिए उतारे से फटाफट, फिर आगे करते हैं, फिर फटाफट, चलिए जल्दी 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 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर, चलिए पॉज कर उतार लेना, तीसरा केस कर लेते हैं हम लोग। व्हेन चार्ज पार्टिकल, चलो इसे दोबारा लिख लेते हैं यहां पर, चलिए जब कोई चार्ज पार्टिकल, अब हम ले लेते हैं तीसरा केस, चलिए एंगल ले लेते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना ले लेते हैं हम लोग, 270 डिग्री, कितना 270 डिग्री। अब आप सोचिए कि 273 पे कितना एंगल होगा, कितनी फोर्स होगी, एंगल ले लिया आपने, Fm इक्वल्स टू कितना हो गया, QVB sin थीटा होता है,
तो क्यू वी बी साइन 270 डिग्री, और 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो बच्चे मैथमेटिक्स में उनको पता होगा, साइन 270 की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का वन, ठीक है, साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का वन, क्यों होते हैं, क्योंकि देखो अगर जिसको याद करने की दिक्कत है ध्यान देखो, ये आपके पास 90 होता है, ठीक है, ये आपके पास कितना होता है 270 होता है, ये पूरा कितना होता है 270, ये ऊपर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसके अपोजिट है इसके, ठीक है, तो ये कितनी होगी आपके पास माइनस का, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, तो ये 90 आपके पास ऊपर 1 होता है और ये आपका कितना हो गया माइनस का 1, उसके अपोजिट वैल्यू मान लो, ठीक है, तो नेगेटिव का 1, तो ये आपके पास 270 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, तो आपके पास कितना हो गया ये माइनस का क्यू वी बी माइनस का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो वाली वैल्यू है जहां पर आपका मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा कम लग रही है, ठीक है, माइनस का। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा आप लोग बताइए, ऐसे आप लोग बताइए कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप लोग बताइए सबसे कम मैग्नेटिक फोर्स किस एंगल पर लगेगी, तो आपका जवाब होगा क्या 270 डिग्री पे लगेगी, जो कि कितनी लग रही है माइनस का क्यू वी बी। क्लियर हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत अब तक सोच रहा हूं कि समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, बहुत आसानी से टॉपिक हम लोग कवर करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, आराम से गर्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा कौन सा केस था, तीसरा केस हम ले लेते हैं, फोर्थ केस ले लेते हैं, ठीक है, फोर्थ केस। अब सपोज करो कि चार्ज पार्टिकल किस पे है, वो रेस्ट पर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल किस में है, रेस्ट पर, मैं ले लेता हूं, चार्ज पार्टिकल जो है वो किस में है आपके, रेस्ट पर है, चार्ज जो है वो किस में है, रेस्ट पर है। अब जब चार्ज रेस्ट पर है, क्या वो मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या कोई एंगल बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड से, बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, जब वो मूव ही नहीं कर रहा तो एंगल कहां से बनाएगा भैया, तो एंगल कितना होगा, जीरो, एंगल कितना होगा, जीरो। जब चार्ज पार्टिकल आपके रेस्ट पे है तो किसी वेलोसिटी से वो मूव नहीं करेगा, तो आपके पास एंगल कितना होगा, जीरो, तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी आपके पास, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आपके पास, साइन जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो भैया ओ भैया 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 क्या निकला, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आपके पास किस में है, रेस्ट पर है, तो आपके पास फोर्स कितनी लगेगी, जीरो। कोई चार्ज पार्टिकल पैडल मूव कर रहा है तो जीरो, कोई चार्ज पार्टिकल एंटी पैडल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो भी जीरो लगेगी। तो ये कंक्लूजन आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन दिया था, कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आपकी क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, यहां मैंने प्रूफ कर दिया, क्लियर हो गया, यहां मैंने प्रूफ भी कर दिया कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ही नहीं, वो क्या होगी, जीरो होगी। अब कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तभी तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, ठीक है, पर शर्त ये है वो ना पैरेलल होना चाहिए और ना ही वो एंटी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, अगर पैरेलल हुआ और एंटी पैरेलल हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या लगेगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए उतारे से बताओ, जल्दी उतारे, चलिए हो गया। चलिए अब इसी के थ्रू हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अब प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्वेशन सब कुछ कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है आपकी, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ही पढ़ ली, कहां से मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्या क्या चीज हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, हमारे पास कंक्लूजन लेयर क्या आ गया, एफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आया निकल गया हमारे पास। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, बी की बात करें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एफ एम डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा, यही आ गया, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल तरीके से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैथमेटिकल की बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, अगर आप लोग भूल जाते हो बस यहीं से हम लोगों को याद रख लेना है, कौन सा फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा, यहीं से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहां देखो, यहां पर हम लोगों ने चार्ज को ले लिया कितना, वन, ठीक है, वेलोसिटी को मान लिया वन, क्लियर। अब एंगल जो ले लिया हमने, जो कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आई थी वो कितनी आई थी, मैक्सिमम पे 90 डिग्री पे आई थी, याद है ना, अभी हमने किया था, ठीक है। अब हम यहां से बात कर लेते हैं किसकी डेफिनेशन की, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड
इज डिफाइंड एज, अब डिफाइन करते हैं कैसे, द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई, ठीक है मैग्नेटिक फोर्स है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किसके ऊपर अप्लाई हुई, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, चार्ज के ऊपर अप्लाई हुई, कितना चार्ज है यहां पर, यूनिट चार्ज है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिट वेलोसिटी से चल रहा है, एंगल कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री, हो गया क्वेश्चन, हो गया डेफिनेशन क्या, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ऑन किस पे, यूनिट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ऑन यूनिट चार्ज विथ यूनिट वेलोसिटी, कह सकते हैं मूविंग विथ, किसे चल रहा है वो, यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल, विद किसके साथ है राइट एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हो गया, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सिंपल सी डेफिनेशन, अगर कहीं भूल जाते हो तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है सब तालो पढ़ना फिर जल्दी उतारो से, फिर आगे करते हैं हम लोग, पोजर को उतार लेना, इसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे, चले हो गया उतार लिया, पोजर को उतार लेना, सिंपल सी डेफिनेशन है, चले अब बात करते हैं हम लोग इसके डायमेंशन की, किसकी बात करते हैं डायमेंशन की, चलिए डायमेंशन, अब हमारे पास डायमेंशन की बात करते हैं, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस का 2, यही होती है, ठीक है चार्ज है, चार्ज की क्या होती है एटी, यही है एटी, वी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मतलब एल टी माइनस का 1, यही हो गया, साइन थीटा तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, वो आपके पास क्या होती है जीरो से, कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो सब ऊपर ले जाओ, एम एल टी माइनस का 2, ए ऊपर ले जाओ, ए इनवर्स टी इनवर्स, देखो T से T कैंसिल हो गए हैं तो T को मत लिखो, इस वाले T के पॉजिटिव है ये T को नहीं लिख रहा, तो हम यहां लेंगे क्या L इनवर्स, क्लियर हो गया, तो यहां पर आपके पास कितना हो गया A, चलो A को बाद में लिख लेते हैं, M L आपके पास इनवर्स है, ये आपके पिछले कट के कैंसिल आउट हो गया, ठीक है तो आपके पास कितना बचा एम एल जीरो, एल तो है नहीं जीरो, तो टी माइनस का 2 ए माइनस का 1, क्लियर हो गया, ये आपके पास कितनी निकल गई, ये इसकी डायमेंशन निकल गई, एम एल जीरो टी माइनस का 2 ए माइनस का 1, ये इसकी डायमेंशन, जल्दी उतारो से फटाफट, जल्दी उतारो, चलिए हो गया, इस तरफ कर देते हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं यूनिट्स की, यूनिट्स, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करते हैं, पहले हम सीजीएस की बात कर लेते हैं, सीजीएस, फिर हम बात करेंगे किसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे, पहले सीजीएस की बात करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सबको पता होगा सीजीएस यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी गॉस, जी ए यू डबल एस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है क्या होती है गॉस, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है आपके पास टेस्ला, दोनों से बात करते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट की अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है आपके पास क्या गॉस, मैं साइन बनाता हूं बी का, ठीक है तो आपके पास ऐसा यूनिट क्या होती है आपके पास टेस्ला होती है, क्लियर, हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का भी, बी इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा, यही था हमारे पास, इसी के दौरान हम लोग क्या लिखते हैं फोर्स को हम लिखते हैं इसमें डाई, डी वाई एल ई डाई, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है डाई, और चार्ज की हम बात करते हैं क्या वन स्टेट कूलम, और वेलोसिटी क्या होती है आपके पास सेंटीमीटर में लेना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया, साइन थीटा के दो तीन ऐसा यूनिट, तो आपका जब भी वन डाई डिवाइडेड बाय स्टेट कूलम और सेंटीमीटर पर सेकंड को हम क्या नाम दे देते हैं गॉस नाम दे देते हैं, जी ए यू डबल एस गॉस, क्लियर हो गया हम गॉस किसे कहते हैं, ठीक है यहां हम किसको नाम दे देते हैं गॉस को देते हैं, अगर हम टेस्ला की बात करते हैं तो वन टेस्ला जो आपके पास होता है वन टेस्ला
हाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। फोर्स में हम लोग किसमें लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं, ठीक है, न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करेंगे, न्यूटन। और चार्ज को हम लिखते हैं क्या, कूलम। और वेलोसिटी को हम किसमें लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। अब न्यूटन मीटर, अब न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम पर सेकंड है, कूलम पर सेकंड, मैंने सेकंड को उसके नीचे लिख लिया, बात वही है आपके पास, मीटर। अब कूलम सेकंड को हम किसका नाम देते हैं, कूलम सेकंड किसका होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कूलम होता है ऐसा होता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट का नाम देते हैं, चार्ज क्या होते हैं कूलम, टाइम क्या होते हैं सेकंड, यही आ रही है ना, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो ये आपके पास किसकी शो कर रहा है, करंट की, और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने इसको कितना लिख दिया, हमने इसको लिख दिया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्लियर हो गया। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं वन टेस्ला, याद रखना क्या लिखते हैं हम लोग, वन टेस्ला, वन टेस्ला। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, टेस्ला, क्लियर हो गया, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, टेस्ला। तो हम लोग यहां से अब बात करते हैं इन दोनों में अगर डिफरेंसेस की बात करते हैं कि वन गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, वो भी लिख लेते हैं। ये याद रखना वन गॉस में 10^-4 टेस्ला होते हैं, कितना होते हैं, 10^-4 टेस्ला होता है, क्लियर हो गया, 10^-4। एमसीक्यू में आ सकता है कि 1 गॉस इक्वल्स टू कितना होता है टेस्ला, तो आप लोग आंसर क्या दोगे, 10^-4 टेस्ला होता है, क्लियर हो गया। चलिए यहां तो उतारे फटाफट, जल्दी उतारो से, हो गया, पॉज करके उतार लेना, पॉज करके उतार लेना रे बाबा, पॉज करके उतार लेना। चलिए छोटे छोटे पॉइंट है वो भी कवर अप कर लेते हैं इसी टॉपिक में, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। चलिए इसी से कर लेते हैं, मेरा मार्कर खत्म हो गया। हाँ आगे बात कर लेते हैं अर्थ के लिए, मैंने आपको बताया था कि अर्थ एक नेचुरल मटेरियल है, या फिर हम कह सकते हैं अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ जो है वो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, कितनी होती है आपके पास, 3.6×10^-5 टेस्ला होती है, ठीक है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होती है आपके पास कितनी, 3.6×10^-5 टेस्ला, ये हमेशा याद रखना। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 3.6×10^-5 टेस्ला, ये हमेशा याद रखना, पूछ लेने कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग बर्नटन के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और याद आया कि आप लोग बताइए जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान सुनेगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वो एंगल बना रहा है 90° विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 90° विद मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग ये बताइए पहले मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, फिर दूसरे बारे में पूछेगा आप लोग ये बताइए वर्क डन, ध्यान सुनेगा, वर्क डन कितना होगा, क्लियर, समझ आ गया, क्या कहा मैंने, मैंने चार्ज पार्टिकल क्वेश्चन, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, मैंने चार्ज लिख लेते, मैंने चार्ज मूविंग With velocity v in magnetic field make angle 90 degree with b, ठीक है, then What will be the work done? Work done कितना होगा? ठीक है? यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बना दिया ऐसे। अब यहाँ पर मैं एडिट कर लूँगा, यहाँ पर मिटो के एडिट कर लूँगा कि work done कितना होगा? अब हम समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भैया आपके पास एक प्लेन था, आपके पास b इस डायरेक्शन में था, आपके पास b इस डायरेक्शन में जा रहा था वो चार्ज पार्टिकल। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90° होता है तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती थी? QVB साइन थीटा लगती थी, और QVB की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 90, और साइन 90 कितना होता है आपके पास 1,
और दो तो मतलब आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, मैक्सिमम लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स आपकी मैक्सिमम लग रही है, क्लियर हो रहा है। लेकिन बात हो रही है किसकी, वर्क डन की। अब यहां देखो, जब वर्क डन की बात हो रही थी, हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन हम लोगों ने निकाली थी वो क्या निकाली थी, परपेंडिकुलर निकाली थी, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल निकाली थी। अब ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, तो ये जो FM था ये इन दोनों के भी तो परपेंडिकुलर है, क्लियर है। अब ये मैंने आपको बताया था, ये सपोज करते हैं x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या होगा आपके पास z एक्सिस, तो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं है, है obviously, क्यों, क्योंकि यहां पे उसने एंगल दे रखा है 90 डिग्री, ये 90 तो ये भी इसके 90 होगा 90, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है बालक, वर्क डन होता है आपके पास, चलो कहां लिखूं, यही लिख देता हूं, थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल होता था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, क्लियर हो गया। अब जब हम लोगों ने अभी बात की थी, ये वाले की बात की थी, एफएम की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये आपके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन, ये तीनों ही एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब यहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, चार्ज पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, बस इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन चल रही है ना, और ये फोर्स जो बनाई है हम लोगों ने, यह फोर्स और ये वेलोसिटी, ये एक दूसरे से कितने डिग्री पे बन रहा है, 90 डिग्री पे बन रहा है, यस और नो, यस ऑब्वियसली बात है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है और वो 90 डिग्री मूव कर रहा है किसके, बी के। तो मतलब FM और डिस्प्लेसमेंट, FM और डिस्प्लेसमेंट का दोनों के बीच का एंगल कितना चल रहा है, 90 डिग्री, और हमें पता है कि फोर्स FS cos 90 कितना होता है आपके पास, 0, ठीक है, cos 90 कितना होता है आपके पास, 0, तो मतलब क्या हुआ बच्चे, वर्क डन कितना आया आपके पास, 0। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि आप लोग बताइए, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और बी वेलोसिटी से, और बी वेलोसिटी बी मेक एन एंगल 90 डिग्री विद बी, तो व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा, 0 का, लेकिन फोर्स कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, क्यू बी बी साइन थीटा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, तो देन द वर्क डन विल बी 0, मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिख लिया होगा, देन मैं लिख देता हूं वर्क डन, वर्क डन इज 0, क्या होगा, 0, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग उतार लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छोटी छोटी चीजें भी आपकी आ जाती है एग्जामिनेशन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछने जाते हैं, तो जल्दी उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग लॉरेंस फोर्स के बारे में, मैं हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था लॉरेंस फोर्स क्या होती है, आज यहाँ डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन में जाते हैं। लॉरेंस फोर्स क्या होती है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, अभी हमने पढ़ा था किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या होता है, कैसे मैग्नेटिक फोर्स आपकी अप्लाई होते हैं, क्यू बी साइन थीटा। अब बात होती है लॉरेंस फोर्स की, लॉरेंस फोर्स होती क्या होती है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में की बात कर रहा हूं, जब मूव कराता है तो वहां पर एक फोर्स अप्लाई होती है, वो फोर्स होती है आपकी कौन सी, लॉरेंस फोर्स, सिंपल सी भाषा में, दोबारा सुनो, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, वो फोर्स होती है आपकी कौन सी, लॉरेंस फोर्स, समझ आ गया सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, पहला, चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, इट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स, और वो फोर्स होती है आपकी कौन सी, लॉरेंस फोर्स, तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। लॉरेंस फोर्स पर बात करते हैं, एफ वेक्टर, या आपका वेक्टर क्वांटिटी, एफ इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, प्लस कौन सी फोर्स लगी आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपके पास कौन सी, पुल अप फोर्स वाली, ठीक है, तो वो आपके पास कौन सी होगी, यहां पर क्या होती थी, क्यू ई, यही होती थी आपके पास, प्लस मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने क्या लिखा था, इन अ वेक्टर फॉर्म में, क्यू इक्वल्स क्यू इनटू बी क्रॉस बी, यही निकाला था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, लॉरेंस फोर्स होगी,
क्लियर हो गया, लॉरेंस फोर्स होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। लॉरेंस फोर्स आपको क्या बताती है, कब लगेगी लॉरेंस फोर्स, हमेशा याद रखना कब लगेगी फोर्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, तो आपके पास कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, लॉरेंस फोर्स होगी। क्लियर हो गया, सिंपल, ये छोटा सा आपका लॉरेंस फोर्स का था। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, इसे बनाइए लिखिए और दिमाग में जितना भी मैंने बताया, जितने भी आज का लेक्चर हुआ है वो अपने दिमाग में फीड कीजिए, क्यों, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे ये सब चीज बाद में काम आने वाली है और प्लस न्यूमेरिकल में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करते हैं हम लोग। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा, चलिए।